सुपर फैन का आप लोग को आवाज आ रहा है, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअली में मैं ये नोटिस किया 2-3 दिन पहले कि जो मेरा फैन है उसका, जब मैं यहाँ पे खड़े होकर ब्लॉग बनाता हूँ तो फैन जो चलता है उसका पूरा आवाज मेरे वीडियो में जाता है और उससे फिर वीडियो की ऑडियो क्वालिटी खराब होती है। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज एक्चुअली में 4 अक्टूबर और जिस दिन ये ब्लॉग एक्चुअली में रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन आप लोग देख रहे हो 4 अक्टूबर। आज मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि मेरे को ना 3 महीना हो चुका है डेली ब्लॉग स्टार्ट किए हुए, लेकिन डेली ब्लॉग नहीं बोल सकते कभी कभार क्योंकि मेरा गैप हुआ है और मैं उस चीज को एक्चुअली में रिकवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसा आप लोगों को पता होगा कि मैं 3 अक्टूबर को 2 ब्लॉग पोस्ट किया, इस कल नहीं पता क्या हुआ अचानक से मैं एक भी ब्लॉग नहीं बनाया, तो फिर ये जो आप लोग ब्लॉग देख रहे हो वो आज ही अपलोड होगा। तो आप लोग गाइस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और गाइस मैं देख रहा हूँ कि व्यूज आ रहे हैं अच्छे से, लोग पहचान रहे हैं, मतलब कि लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, लोग पसंद कर रहे हैं। गाइस थैंक यू सो मच ना आप लोग ना गाइस। एक दिन एक्चुअली मेरा वो किया था, पोस्ट किया था कल के दिन में, और कल मैं ये बोला था कि गाइस क्या आप लोग चाहते हो कि मैं कब तोड़ू अपने वीडियोस में, तो आप लोग देख सकते हो कितने लोग बोले कि हाँ अमन कब तोड़। और गाइस आप लोग जो बोलो मेरे को उसको करना पड़ेगा, लेकिन मेरे घर में कप नहीं है, तो फिर अभी अपन जाएंगे कप खरीदने के लिए। गाइस इस रूम में भी पंखा चल रहा है लेकिन एसी चल रहा है, तो पंखा को मैं ना तब तक के थोड़े देर के लिए बंद कर देता हूँ। तो गाइस यही बात है, यही बोलना है कि घर का पता है, जैसे आप लोगों को मैं पिछले 3 महीने में इतना कप तोड़ा हूँ कि ना पूरा घर का 24 या फिर 25 कप खत्म हो चुका है। तो फिर अब मैं जाऊंगा खरीदने के लिए उसको, उसके बाद फिर दोबारा तोड़ूंगा। मम्मा 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 सुन नहीं रही थी इसलिए आपको तीन चार बार बोलना पड़ता है मम्मा मम्मा। एक्चुअली सब्सक्राइबर लोग बोल रहे हैं कि तू अपने व्लॉग में कब तोड़ा कर, कोई कब तोड़ता है क्या? अमन कुमार तोड़ता है, चुप रहे तुम लोग बोल रहे हैं? नहीं रे क्यों यार, मम्मा सो रहा है, दिस इज व्लॉग लाइफ मम्मा। रहता है मुझसे पूछा आशीष के तहत के बारे में। गाइस मेरे को वेदर बिल्कुल समझ नहीं आता है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश गिर रहा था और अभी जब मैं मैगी लेने आया हूँ तो एकदम मौसम साफ है। अभी सूरज थोड़ा आगे पे था और नहीं पता अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया सूरज, और मैं जा रहा हूँ घर दोबारा। मैं मास्क लाना भूल गया और मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया था अभी, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाने निकला हूँ और मम्मी मेरे को काम करने के लिए बैठा रही। गाइस तो मैं कप लेने पहुंच ही गया हूँ और आधे रास्ते तक भी आ गया हूँ, और गाइस लिटरली मैं कुछ बोलने वाला था लेकिन भूल गया। गाइस मैं स्कूटी से आता हूँ ना तो मेरे को यही फायदा होता है कि मैं हाथ में पकड़ के वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन अगर गियर वाला बाइक रहता है तो फिर इसमें ना हो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे गियर रहता है, यहाँ पे क्लच रहता है, फिर यहाँ पे ब्रेक रहता है, तो बड़ा मुश्किल होता है बनाने में। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं एक जगह देखा तो फिर वहाँ पे मेरा जितना रेंज नहीं है वहाँ पे उतना वो दाम बता रहे थे भैया, फिर मैं बस घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अगर कोई मिल जाएगा अच्छा सस्ता वाले एरिया में तो फिर नहीं हो पाएगा। मेरा जितना में एक में दर्जन है वहाँ पे वो एक्चुअली में मेरे को जितना मेरा रेंज है उतने में वो मेरे को 6 पीस दे रहा था, तो भाई वो बहुत ज़्यादा ही महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है वो, मैं उतने में नहीं लेने वाला, उतने ज़्यादा में नहीं लेने वाला। गाइस मैं दूसरी जगह में आया हूँ, यहाँ पे भी कप नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे सब जगह देख लिया मैं, यहाँ पे बिल्कुल भी कप नहीं मिल रहा है। गाइस कोई बताए, ओ मिला कप 80 का 6। मेरे को पीने के लिए नहीं चाहिए अंकल, मेरे को तोड़ा नहीं फोड़ने के लिए चाहिए। उतना रेंज नहीं है ना मेरा, उतना रेंज नहीं है मेरा, तोड़ने फोड़ने के लिए भी चाहिए तो अच्छा 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 दिखा के तोड़ के क्या करूँगा अंकल, मेरे को चाहिए, हाँ मेरे को वीडियो के लिए तोड़ना है, लोग बोले इस कारण तोड़ रहा हूँ और वही लोग मेरे को पैसा भी कमा के देते हैं। नहीं तो आप पहले बोलते तो मेरा था बहुत सारे कब परसों बहुत सारे मिल जाते 15-20। हाँ मतलब वो टूटे जिसके हैंडल फिर मिल जाते लगे, तो अभी नहीं आपके पास होता नहीं है अंकल, आपके पास कोई ऐसा सस्ते रेंज में मेरे रेंज तक ऐसा कोई पसंद आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसको ले लेता हूँ, लेकिन अंकल मेरे दाम में लगा नहीं रहे, लगाओ ना अंकल। नहीं 50 में कहा, दो नहीं 50 में नहीं 40 में दो, 20 में कहा करिए ना। गाइस कभी सामने खाली रहता तो कभी पीछे भरा रहता है, पीछे से लोग आते रहते हैं, ये चीज़ एकदम अजीब लगता है। और गाइस मैं घर में जाकर दिखाऊंगा कि मैं क्या परचेज किया हूँ, तो
गाइस मैं घर आ चुका हूँ, वहाँ पे ना कप नहीं था, मतलब कि जो सस्ते में रेंज में चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे को तोड़ने के लिए चाहिए सिर्फ। तो फिर वहाँ पे ना महंगा महंगे कप थे, तो फिर मैं कप नहीं लिया बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को पता है कि कैसे क्या परचेस करना है, और उतना मेरे को उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और उतना पैसा मैं कमा भी नहीं रहा हूँ कि ओ मैं हर एक वीडियो में 10-20 रुपए का कप तोड़ दूँ, क्योंकि वहाँ पे रेंज था 60 रुपए का आधा दर्जन, 6 पीस बस, तो मेरे लिए उतना नहीं है पॉसिबल। तो वैसे मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ अपने ये वाला कप। मम्मा आर यू रेडी? ये देखो, क्या बोले? ठंडा जल्दी हो जाएगा, व्हाइट माउंटेन। हाँ तो जल्दी पियेंगे अपन। ब्लैक वाला अच्छा नहीं है, लेकिन व्हाइट वाला अच्छा है। तो ये रहा दो कप, मेरा फेवरेट वाला, लेकिन ब्लैक वाला उतना अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि सच में ना यार ये इंसान एकदम गंदा वाला दिया है वो, उसको जाके बत्ती दूंगा जब जाऊंगा तो। और ये व्हाइट वाला अच्छा है, व्हाइट वाला एकदम परफेक्ट है, व्हाइट में कोई खराबी नहीं है, हर जगह अच्छा है। लेकिन ये जो ब्लैक वाला, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा छेदा है अंदर पे, थोड़े छेदा छेदा है। जब मैं दूसरा वाला पकड़ा रहा था, बोलता है कि ये वाला मत लो, ये वाला मत लो, ये अच्छा नहीं है, और इसको मैं उतने ध्यान से नहीं देखा, और अंधेरा भी था तो उतना ब्लैक पता नहीं चल रहा था। अब इसको देखता हूँ, धोऊंगा तो शायद से। तो गाइज अभी शाम 6:50 हो रहा है, 6:50 हो रहा है शाम का। तो अभी गाइज मैं ये व्लॉग को एंड करूँ यहीं पे। गाइज जैसे आप लोगों को बताया कि मेरे को ना डिप्रेशन जैसा फील कर रहा था, मैं इसको व्लॉग में पहले में नहीं डाला, क्योंकि मैं वैसा भी पार्ट बनाया था एक, तो गाइज इस कारण आज मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, और आप लोग मेरी एनर्जी में देख रहे होगे, इसलिए कि मैं गाइज मैं 3 तारीख को भी व्लॉग नहीं बना पाया बिल्कुल। मेरे शरीर में अभी नहीं पता क्या हो रहा है, एनर्जी नहीं है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। लेकिन मे भी टुमारो इज़ बेटर देन टुडे, मैं ट्राई करूंगा कल एक अच्छा नया व्लॉग बनाने का। और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूंगा आधे 1 घंटे बाद, देखता हूँ अभी चाय वाय पीऊंगा, उसके बाद फिर एनर्जी, या दैट्स माय बॉय, मेरे अंदर एनर्जी आ रहा है अब। लेकिन गाइस चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में। आप लोग ब्लॉग देखो अच्छे से, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो, और पोस्ट डालता रहता हूँ कम्युनिटी पोस्ट, उसमें आप जवाब देते रहो, और हंसते खिलते फुलते रहो, और यस क्रश बनाते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू फेस, मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में। कल नहीं पता मेरे को क्या हुआ, इसलिए मैं आपका कल कुछ काम नहीं कर रहा था, कल मैं खुद का व्लॉग भी नहीं बना पाया, जिस चीज के लिए मैं सब चीज छोड़ दिया हूँ, मैं अपने दोस्त लोग से मिलना छोड़ दिया हूँ व्लॉग के कारण। मॉम कल मैं उस चीज को नहीं, मैं नेगेटिविटी इतनी गंदी चीज है गाइस, मेरे को कल ऐसा लग रहा था कि ना मैं डिप्रेशन में चल दिया हूँ एक दिन के लिए, बट अभी मैं बहुत बेटर हूँ, अभी आप लोग के सामने हूँ। क्या क्या मम्मा, जब कोई इंसान फीलिंग बताता है हाँ ही नहीं करते हैं।